सो अभी आ चुका हूँ मैं गाजियाबाद जंक्शन पे। ऑब्वियसली देख लो यार, मजाक नहीं कर रहा, मैं गाजियाबाद जंक्शन पे बैठा हूँ अभी। और इतने बढ़िया मौसम में मैं आया हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसे यू नो कि आज राधाअष्टमी भी है और डीजे भाई का बर्थडे भी है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने वैसे दे दिया था कि मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ डीजे के पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर से दे देता हूँ कि मैं गाजियाबाद डीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। तो अभी का ये हिसाब था कि अभी कुछ दो घंटे पहले मैं था मुजफ्फरनगर, तो आज सुबह मम्मी की राधाअष्टमी की पूजा करा के व्रत व्रत खोल के मैं आ गया गाजियाबाद टपक के डायरेक्ट, मम्मी से परमिशन लेके। पापा ड्यूटी थे तो पापा से ड्यूटी पे परमिशन डाली, और फिर जब अप्रूवल मिल गया मेरे को तो मैं सोचा कि जल्दी से, एक ही ट्रेन थी अभी यहाँ तक आने की बांद्रा टर्मिनस, तो उसी को पकड़ के मैं यहाँ पे टपक गया हूँ डायरेक्ट। और भाई ट्रेन को सल्यूट है, 6:10 का टाइम था, 6:10 ही पहुँचाया है। मैं इधर इसलिए बैठा क्योंकि जहाँ पे मैं बैठ के आया हूँ ना वहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो थोड़ा हवा ले रहा हूँ, मेरे को अजीब लग रहा था। अब थोड़ा आगे जाके पानी लूंगा, मैं घर से पानी लाना भूल गया। ऐसे कारनामे तो मैं रोज करता रहता हूँ, गुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल में। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे जाके ऑटो पकड़ के डीजे के घर वाली लाइन में उतरते हैं। Here we are. इससे ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा इस लोकेशन को। अब मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन से गेट से अंदर जाऊँ। आई थिंक आगे वाला खुला है। आई नो उसको थोड़ा सा शक तो हो गया है कि मैं आने वाला हूँ, बट देखते हैं क्या होगा उसका रिएक्शन एंड एक्शन टाइम। आंटी ऊपर है, दिख रही है मेरे को। क्या कुत्ता बनेगा, इसको इवन पता नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आंटी आप बिजी हो क्या? अगले दोस्त हैप्पी बर्थडे टू यू यार, इसको सरप्राइज बोलते हैं। नहीं करूंगा, रिएक्शन देखना है ना तेरा। कितना खाओगे, कितना खाओगे? जब वीडियो कॉल कर तब भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हो हैं? और भी मानसी क्या हाल है? ठीक है आंटी, डल गो ना। हैप्पी बर्थडे डियर धनुष। अरे भाई 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 भाई, अभिषेक 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 को क्रीमी कर दिया। ये सीन इस ब्लॉग का सबसे बेस्ट सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसने हाथ क्यों जोड़े थे। अबे शर्ट गंदी कर दी भाई, पाल ली। अबे इसने मेरा भी ऐसी हाल किया था, याद कर। ये है चॉकलेटी चैट जेल, ये जेल हर कंपनी में ही मिलता है। ये अभी मैंने इवेंट किया है, अबे 16 रेशो 9 यार। ये है केक के बाद जो मेकअप हुआ था उसको झाड़ा पोछी। यार लड़के जाते हैं मेकअप कराने के बाद मुंह नहीं धोती, तुम मुंह धो रहे हो, गलत बात है। Why so angry bro? It's a birthday. एलिया भाई, ए भाई, ए भाई, भाई भाई बोलते भाई। चले फिर, रुक जाया थोड़ी देर और बैठ जाना, मैं बात कर लूँ आंटी से। देख ले आधे एक घंटा रुक जाओ, रुक जाना प्लीज भाई। भाई मैं इतनी दूर से आओ, थोड़ी तो कर ले इज्जत। ओले ले, थोड़ी देर रुक जाते हैं। रॉकी भी लाए, ए, निकल जाओ। हिमांशु सोने मत दियो इसको। मैं तो कह रहा हूँ आज यही रुक जाता, रात हो जाती तेरी अच्छी। क्या है, क्या है फालतू में भोग रहा है? बोला निकल जाओ पहली फुर्सत में, भगो चलो। आज राधाअष्टमी है, आज तेरा बर्थडे है, ओपी का बर्थडे है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है ब्रो। सोचना कितना इंटरेस्टिंग है तेरा बर्थडे इस साल का, मैं भी आ गया हूँ। अच्छा एक बात बता, अभी तक तू बोर हुआ? बहुत ज्यादा यार, तू ऐसे बेइज्जती मत कर अगर मेरी यार, जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ
यार कुछ अच्छा बोल दिया अगर बोलता। अच्छा मैं बोर कर रहा हूँ तेरे को। अजय तेरे थूतड़ी पे जो ये क्या नाम है हंसी है उसका क्या? तो डीजे अब डिस्क्राइब करेगा कि जब मैं आया तो मतलब उसका रिएक्शन कैसा था। चलो भोको मतलब बोलो। अब यार बोलना मतलब तेरे को क्या मतलब? देख मैं जीने में खड़ा हुआ था, रॉकी मैं विस्पर करके वीडियो बना दी, बंदा पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। इवन दैट इतना विस्पर था कि वीडियो कैमरा भी अच्छा बन गया, वीडियोस भी अच्छी बनी। मैंने बता रखा था ये अभिषेक नाम के बंदे से। क्यों रॉकी ऐसे सच बोला है? ये सच बोल रहे क्या? इसकी पूछ पकड़ के हिलाइए एक बार। सो अब डीजे का बर्थडे हो चुका है, केक कटिंग हो गई है, दोस्त के साथ मीटअप हो गया और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करी है हमने। और अभी मस्ती मस्ती जितना था जो पांच लोग अपन लोग थे उनके साथ जितना मजा करना था, आई मीन चार लोग जो थे उनके साथ जितना मजा करना था हो चुका है। और अब एक्चुअली जब मैं घर से निकल रहा था ना तो मम्मा ने बोला था कि लाइव आ जाना चाहिए था, क्योंकि राधाश्मी उनने क्योंकि मम्मी ने खूब अच्छा बैकग्राउंड टाइप में बना रखा था। मे बी मैं गलत टाइम पे आता भी तो उस वक्त कोई आता नहीं, तो मैं अब लाइव जा रहा हूँ। और ये ऑब्वियसली व्लॉग लेट आया, पहले लाइव आएगा, तो अब मैं लाइव जा रहा हूँ तो उस व्लॉगिंग करते हुए लाइव देखते हैं कैसे आता है। क्योंकि ये वाला जो डिवाइस है ये तो जाएगा कैमरे पे, बाकी हम लाइव इस बीस्ट पे देखेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीडेटर के व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके अपने वेब स्क्रीन्स या फिर मोबाइल स्क्रीन्स पे जाके इसको सब्सक्राइब कर दो, रेड से इसको ब्लैक बना दो। और ये जो इम्पोर्टेंट होता है ना नोटिफिकेशन बेल, इसको ऑन कर देना। एंड जितनी भी ये फेमस वीडियोस है ना लाइन से लगी हुई सब देख लो। डीजे की ईडिथ, एक काम करना ड्रोन्स मंगा के बुला ना, हम लोग यहाँ पे नाइट शो करेंगे। यार प्रॉब्लम आ रही है कि लाइव आए तो आए कैसे, क्योंकि वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है अपने पास, ना स्टैंड है अपने पास, और मोबाइल से करना पड़ेगा क्योंकि ये बेड बीच में आ रहा है, ऊपर से लाइट गलत डायरेक्शन में और उस साइड में लाइट नहीं, थोड़ा डार्क आउट हो रखा है उधर तो लाइट, बट अभी नहीं लग पाएगी ना उधर, बहुत टाइम लगेगा। प्रॉब्लम ये है ना, बोला था ट्राइपॉड ले ले, ब्लॉगर ऐसे आते जाते रहेंगे तेरे घर। क्या कच्चा बादाम वाला? चल ब्लॉगर है अपन, यूट्यूबर है भाई, देख 20 रुपए पड़े हैं मेरे पे भाई। ये सस्ता सेटअप अच्छा है? सस्ता सेटअप नहीं, बढ़िया लगता है, बस थोड़ा साफ सफाई रखा करो यार, बहुत गंदा है तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो ना, साफ सफाई। पढ़ाई भाई देगी, नोट्स पड़े थोड़े, ये मैं नोट्स बना बना के प्रैक्टिस करके कर देता हूं। हां तुम ही हो रहे हो पढ़ाकू, खत्म हो गई ठीक है, ये भी खत्म वगैरह। एक टाइम पे पता है इस पेन का बहुत क्रेज था, ट्राइमैक्स के लोग अभी भी है, लोग मरते थे इस पेन को खरीद, मतलब जिसके पास ये पेन वो अमीर। मानता है कि नहीं मानता? और ये जो हाइलाइटर है ना, जब कंपटीशन की तैयारी करने बैठे तब इसका मतलब समझ आया कि हाइलाइटर होता है क्या है। वरना हम सोचते थे यार ये कौन सा स्केच पेन है, इसको कहाँ यूज करते हैं, लाइट कैसी है, मतलब ग्रीन वाइब्रेनियम टाइप में कलर जो इसका है। भाई सो हाँ मैं थोड़ा पतला हो चुका हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पतला नहीं हुआ लेकिन हाँ ये तो ये पतला हो गया, मैं नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब लाइव आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे व्लॉग करेंगे जब लाइव खत्म हो जाएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। डू नॉट ट्राई दिस स्टंट एट होम, ये बच्चे तो कृपया ना ही करें और बड़े लोग भी ना करें, अकेले तो बिल्कुल ना करें। देखो ये चिंगारियों से आग लग रही है भाई, YouTube पे 18 प्लस कंटेंट है ये, नॉट फॉर किड्स स्पेशली, अकेले तो बिल्कुल नहीं है भाई। हालत देख रहे हो, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। एक्चुअली रूम बंद करा हुआ था ना नॉइस की वजह से, तो अभी लाइव खत्म हुई है और हैप्पी बर्थडे टू हिम अगेन। और अभी ये व्लॉग का अंत नहीं है, अभी तो और है, अभी देखना है कि क्या क्या होगा। मेरी वजह से बेचारे को गरीबों वाला गाना खाना पड़ रहा है, दही और चावल। सॉरी ब्रो बट बाद के भी प्लान्स है। वो 12 बजे के बाद है, मैं अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स फॉलो करूंगा आज के दिन का। मैंने आज बिल्कुल प्याज नहीं खाई, मैंने कुछ भी ऑकवर्ड नहीं खाया, बस मैं अच्छा ही खाना खाया है, क्योंकि घर से मैं पूड़ी और अरबी खाया था, फिर यहाँ पे आंटी ने खाना दे दिया। ये कारनामा मेरा नहीं है, आंटी का, आंटी ने मतलब आंटी वॉज लाइक प्रोफेशनल शेफ कि मैं अच्छी तरह सैलेड को रिप्रेजेंट करूंगी। पता है मैं सोचता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए बैकग्राउंड में, एक बढ़िया पीसी हो, एक पावरफुल लैंप हो और एकदम सब कुछ चमकता भड़कता एकदम मस्त। एक दिन करेंगे, अब
अपने दम पे करेंगे, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए मेहनत लगती है यार। लेकिन हाँ, सपने तो सपने ही होते हैं भाई, कभी रात में जाग लो तो बुरे, सो लो तो नहीं होते। तो अभी तो अभी के लिए तो यार सबसे दुखी वाली बात यह है कि आज इंडिया हार गई। हाँ बाय द वे, मेरे को अभी एडिटिंग करनी है और ना जाने क्या कुछ करना है। और ये भाई साहब इतने आलसी हैं, आज जो तुमने हरकत करी है ना भाई, बहुत गलत किया है। मैं लिटरली जीने पे खड़ा हुआ था भाई, मैं इतनी विस्पर कर रहा था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन स्टिल ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है भाई, बूढ़ा हो चुका है ये। आपने प्रीडेटर को इस फॉर्म में तो देखा ही है, आई डोंट थिंक सो एक बार ही इस फॉर्म में आया हूँ। एंड गाइस देखो, इसका बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसकी विशेज आना खत्म नहीं हुई है, और ये भाई लगा हुआ है जस्ट चैट कमेंट्स, और लोग इसको टैग किए जा रहे हैं बुरी तरह। एक्चुअली वी डोंट हैव स्टड लाइक प्लान्स, तो हम लोग मूवी देखेंगे एज ऑफ टुमारो भाई, बड़ी मस्त मूवी है अपने भाई टॉम क्रूज की। हाँ बहुत मस्त मूवी है यार, देखो साईफाई है ना, वैसी होती है, उस लेवल की है, गजब मूवी है। तो वो ज्यादा लंबी भी है तो हमारा टाइम भी हो जाएगा, और यू नो रात में जगने का है, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मैं सोने के लिए तो नहीं आया। और इसको मुझे सुबह छोड़ के आना पड़ेगा स्टेशन पे। मम्मी बहुत, अगर मम्मी ने ये देख लिया ना, बहुत मारेंगी तेरे को यहीं पे आके। देखते हैं आगे क्या होता है, जस्ट अभी तो थोड़ा रेस्ट कर रहा था मैं, अभी मूवी डाउनलोड हो रही है, और बहुत ज्यादा घटिया नेट है इसका, आज लाइव में इतना गंदा आया ना, हम लोग बता नहीं सकता क्या। BSNL, ये BSNL है तू? आप बोल, अरे आप को कभी नहीं बोलते, हम वहां से ही आते हैं। हाँ ठीक है, मैं BSNL यूज करता था, आज भी वो एकदम वैसे ही है। अरुण अरुण अगर तू ये ब्लॉग देख रहा है तो जरा थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर दो BSNL के लिए। जो भी BSNL कंपनी से बहुत ज्यादा इशूड है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो जरा अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज BSNL हैशटैग व्लॉग के लिए। पता है वो प्रिंटर वहां क्यों रखा है? इसीलिए क्योंकि जब व्लॉग कर रहे थे तो स्पेस नहीं थी डेस्क पे, तो प्रिंटर को हटा के उधर रख दिया, और फिर अपनी यहाँ पे देखो जुगाड़ दिखाता। प्रिंटर यहाँ पे रखा हुआ था, ये मॉनिटर जैसे साइड में था, यहाँ पे हमने बुक्स रखी, यहाँ पे मोबाइल रख के फिर लाइव आए थे हम लोग। और ये डीजे का एडिट यार अलग ही लेवल का, एकदम ब्लू जैसा ओरिजिनल है। इट्स एन RGB लाइट कॉस्मिक बाइट कीबोर्ड, और यार ये बीस्ट अलग ही लेवल का है भाई। ये देखो अंदर इंद्रधनुष हो रखा है। आज थोड़ी मोटिवेशन ली मैंने, देखो देखते हैं कल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाए मेरी शायद। और ये आलसी सो ही नहीं रहा, सो जा बेटा सो जा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रेडेटर व्लॉग्स। हाँ आप निकलना है यहाँ से, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ पे मिलेगी योगा एक्सप्रेस सुबह सुबह की। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस रेलवे स्टेशन का, खाली नहीं है, मेरे पीछे भीड़ है, और सामने से आ रहा सनराइज। सो योगा एक्सप्रेस आ चुकी है भाई, शक्ल दिखा दो और इसको बाय कहने का टाइम आ गया। और तेरे को अभी है ना इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया फोटोज दिखाऊंगा, चल बाय ब्रो। इसमें से कितनी गंदी साउंड आ रही है, ची 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 करके। सो आ गए हम लोग सुबह सुबह अपने ही शहर में वापस मुजफ्फरनगर। ये निकला है रात का चांद, बड़ा ही मस्त। फॉर्चुनर ब्रदर शैडो नहीं, महादेव का मंदिर क्या? हाँ होमलैंडर को एकदम सुपरमैन जैसे बना रखा है। बाय द वे गाइस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, द बॉयज की बात कर रहे हैं। अमेजोन प्राइम की एक सीरीज है द बॉयज, मस्त है। गंदगी से याद आया, चल तुझे डस्टबिन में डालता हूँ। यार वॉल पेंटिंग ओपी, ये बता इतनी तेज क्यों भाग रहा है? इसका अनुपमा रुक जाएगा। He's running, running and running. पीठ पीछे, बुराई नहीं कर रहा हूँ बावले, बता रहा हूँ। आई होप सो पार्ट सेकंड ऑफ धनुष का बर्थडे आपको अच्छा लगा हो। ये वाला व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आगे इसको शेयर कर देना। और हाँ एक और न्यूज देनी थी, मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, तीनों प्रोसेस कंप्लीटेड। फर्स्ट रिव्यू था, सेकंड गूगल एडसेंस अकाउंट कंफर्म करना था, और तीसरा एक यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए रिव्यू होता है, तो वो भी सक्सेसफुल हो गया, आज ही जीमेल आया था। और नाउ आई एम द YPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का मेंबर।
और सब कुछ इनकी देना है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, सब कुछ इनकी देना है, हम कुछ नहीं है भाई, सही में सच्ची में कुछ नहीं है भाई। गाइस आप लोगों का सपोर्ट मेरे को इतना ले आया है सही में, थोड़ा और सपोर्ट कर दो, थोड़ा और इधर हाथ बढ़ा के धक्का दे दो तो मैं आगे ही जाता रहूंगा। बहुत लोग मेरी इस सक्सेस के पीछे बहुत लोग हैं जो खुश होते हैं, और बहुत लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, कुछ तो अपने ही हैं जो वीडियोस तक नहीं देखते, उनसे पूछो कि अभी पूछते हैं अभी रिसेंट में कौन सा व्लॉग आया, उनको पता ही नहीं है। खैर छोड़ो, अपनो तो अपने ही हो तो है। मैं बस इसलिए आया था कि अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज जरा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप नए हो, अगर इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, आगे और अच्छे कंटेंट आने वाले हैं जल्दी ही, तो बने रहिए प्रीडेटर व्लॉग्स के साथ, एक्चुअली प्रीडेटर के व्लॉग्स के साथ। तो मिलते हैं जल्दी सून एक नए व्लॉग के साथ, तो टिल देन गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय।